हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। यहां पर देख सकते हैं कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब अगर हमको इसका सम करना है तो इसके लिए या तो हम इज इक्वल टू का निशान लगाएं, एक तरीका ये हो सकता है, इज इक्वल टू का निशान लगाइए, यहाँ पे सम फॉर्मूला लगाइए कुछ इस तरीके से, और ये फिर सम होकर आ जाता है हमारे सामने। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर आप पूरे जगह को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको सम चाहिए, बस आप इस सिग्मा के निशान पर क्लिक करिए और यहाँ पे सम पे क्लिक कर दीजिए, तो बस आपको सम होता हुआ सा नजर आएगा यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर जो एक लाइन आपने सेलेक्ट किया था उसके अगले लाइन में ये आएगा। अगर आप चाहते हैं उसी लाइन में आए तो बस आपको इतना ही सेलेक्ट करना है, इतना सेलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सम पे क्लिक करना है, तो ये अगले लाइन में आ जाता है। एंटर करेंगे तो आपका सम होके आ जाएगा और यहाँ पे ऑटोफिल तो हो ही जाता है, तो ये ऑटोफिल भी हो चुका है, देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, ये जो देख रहे हैं आपको नीचे, अगर इन सबका सम नीचे चाहिए, ठीक है, नीचे चाहिए, तो आप इतने पार्ट को सेलेक्ट कर लें और यहां पर क्लिक कर दें और यहां पर ये इस तरीके से नीचे सम आ जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा और फिर यहां पर आप इसको ड्रैग कर देंगे तो ये जो है ऑटोफिल हो भी जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं ये पूरे का सम होकर इस तरीके से आ रहा है। आई होप की बात समझ में आई होगी। ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ऐसे नहीं सम करना, ठीक है, आप कोई और तरीका यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर को रखिए, इज इक्वल टू लिखिए और फिर एक एक करके सेलेक्ट करते जाइए। पहले इसको सेलेक्ट कीजिए, प्लस का निशान लगाइए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, प्लस का निशान लगाइए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, प्लस का निशान लगाइए। इसी तरह से करके आपको सिलेक्शन में लेते चले जाना है और प्लस का निशान लगाना है और आपका सम होता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे सम होता हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इनका भी सम करना है तो आप एक बार इसका कर लें, बाकी सबका सम होता चला जाएगा। एक तो सम का फॉर्मूला है, दूसरा एक ये भी तरीका है, ठीक है, और बस आपको उसको ड्रैग करना है, बार बार आपको जोड़ना नहीं है, एक बार आप ड्रैग कर देंगे तो काम हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा आपका काम। तो ये बहुत ईजी है, आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।